बॉलीवुड में हीरोइंस के लिए गोरा होना अनिवार्य माना जाता है, लेकिन इस सोच के बीच कुछ सांवली हीरोइंस ने अपना परचम फहराकर साबित किया कि वे भी खूबसूरती के मामले में किसी से कम नहीं हैं और उनकी फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त है। दीपिका पादुकोण को ही ले लीजिए। दीपिका पादुकोण ने साबित किया कि सांवली होने के बावजूद स्टार बना जा सकता है। वे सफल मॉडल भी रही और हीरोइन भी। स्मिता पाटिल। सांवली स्मिता ने अपनी प्रतिभा के दम पर तमाम हीरोइनों को पछाड़ दिया और भारत की श्रेष्ठ अभिनेत्रियों में से एक मानी गई। उनकी बोलती आंखें और तीखे नैन नक्श उनकी खूबसूरती की पहचान थे। शिल्पा शेट्टी ने दिखाया कि सांवली लड़कियां भी आकर्षक और सेक्सी होती हैं। वही रेखा ने जब बॉलीवुड में कदम रखा था तो उन्हें काली भद्दी और न जाने क्या क्या कहा गया था। बाद में कई खूबसूरत अभिनेत्रियों के बीच रेखा ने अपनी जगह बनाई। बिपाशा बासु ने कमर्शियल फिल्मों में लंबी पारी खेली और हॉट अभिनेत्रियों में उनकी हमेशा गिनती हुई। सांवली फ्रीडा पिंटो ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कामयाबी हासिल की जो गोरे रंग वाली अन्य बॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं कर पाई। वहीं अपनी शुरुआती फिल्मों में सांवली नजर आने वाली काजोल बाद की फिल्मों में गोरी नजर आई। कहा जाता है कि उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया था। फायर अर्थ बिफोर द रेन सहित कई फिल्मों में अपने बेहतरीन अभिनय के लिए पुरस्कार जीतने वाली नंदिता दास उन लोगों की कठोर आलोचना करती हैं जो मानते हैं कि खूबसूरती के लिए गोरा रंग जरूरी है। विद्या बालन ने अपने अभिनय के बलबूते पर ऐसी धाक जमाई कि शाहरुख खान ने उन्हें चौथा खान करार दिया। मलाइका अरोड़ा, कोंकणा सेन शर्मा, चित्रांगदा सिंह, दीप्ति नवल, जरीन वहाब, सुप्रिया पाठक, विद्या सिन्हा, वहीदा रहमान, तनिष्ठा चटर्जी जैसी कई अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने साबित किया कि सांवली लड़कियां भी खूबसूरत होती हैं और सिर्फ गोरा रंग ही खूबसूरती की निशानी नहीं है।